जो 14 में आए हैं उनको 24 में मुझे विदाई करनी है और हिंदुस्तान को एक नया सुशासन देना है। हिंदुस्तान में युवा बेरोजगारी को लेके, हिंदुस्तान के जो संविधान आज हमारा खतरे में है उसको बचाने के लिए जो 14 में आए हैं उनको 24 में विदाई करने के लिए यही बात कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे दावे तो बहुत होते हैं, बातें तो बहुत होती हैं, मगर आज युवा वहाँ पे बेरोजगार परेशान सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है। हम यहाँ पे जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ बात होती है मंदिर की, मस्जिद की, वहाँ बात शिक्षा की नहीं होती। इनको धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जाए, धर्म के नाम पे हमारे डबल इंजन की दुकानदारी चलती रहे, हमारे दुकान चलते रहें और बाकी युवा साथी जितने भी पढ़े लिखे हों वो आके मंदिरों के सामने पकौड़ा बेचे और भीख मांगे। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। इंडिया अलायंस की बैठक जितनी बार होती है उस समय कुछ ना कुछ नया निकल करके सामने आता है। सबसे बड़ी बात ये, नीतीश कुमार इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं और नीतीश कुमार को लेकर के ये भी राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया अलायंस से जो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में बैठे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल जी हैं। हम बात करेंगे, इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है, लगातार होती जा रही है और हर बार कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है और इस बार बात राजनीतिक गलियारों में 1 जनवरी से, जब से 2024 आया, ये चर्चा चल रही है कि इस बार इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अंदर बात चल रही है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा होने जा रहे हैं जो फाइट करेंगे इंडिया अलायंस से 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने हर स्टेटमेंट में एक ही शब्द कहा है कि हमें किसी भी चीज़ की चाह नहीं है। जो 14 में आए हैं उनको 24 में मुझे विदाई करनी है और हिंदुस्तान को एक नया सुशासन देना है। हिंदुस्तान में युवा बेरोजगारी को लेके, हिंदुस्तान के जो संविधान आज हमारा खतरे में है उसको बचाने के लिए जो 14 में आए हैं उनको 24 में विदाई करने के लिए यही बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा अभी इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है और न तो हमारे नेता की ऐसी कोई चाह है। हमारे नेता की चाह सिर्फ इतनी है कि हिंदुस्तान में जो झूठ फरेब, धर्म के नाम पर राजनीति करना, एक दूसरे को हिंदू बनाम हिंदू की राजनीति करना, इन लोगों से कैसे हिंदुस्तान को मुक्ति मिले इसके लिए हमारे नेता लगे हुए हैं। उन्होंने विभिन्न दलों को, जो कभी एक साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, विभिन्न बगियों के फूल होते हैं ना, वो ऐसे माली बने हैं कि जो सारे बागों के फूल को एक धागे में पिरोने का काम किया है, तो वह हिंदुस्तान के सर्वमान्य नेता हैं और वह प्रधानमंत्री के लायक तो हैं ही, क्योंकि आज बिहार में जो कल का युग था और वर्तमान युग बिहार, बिहार ने एक हिंदुस्तान में नई मिसाल को दिया है, एक हिंदुस्तान के लिए मिसाल दिया है कि जहां एक मुख्यमंत्री वहां युवाओं के लिए नौकरी का भंडार खोली हुई है, वहीं अन्य स्टेटों में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पे दावे तो बहुत होते हैं, बातें तो बहुत होती हैं, मगर आज युवा वहां पे बेरोजगार परेशान सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है। हम यहां पे जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां बात होती है मंदिर की, मस्जिद की, वहां बात शिक्षा की नहीं होती, वहां बात रोजगार की नहीं होती, वहां बात नौकरी की नहीं होती, वहां बात सिर्फ मुद्दे की नहीं कर पाते, तो उन लोगों को सिर्फ एक ही बात आती है कि इनको धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जाए, धर्म के नाम पे हमारे डबल इंजन की दुकानदारी चलती रहे, हमारे दुकान चलते रहें और बाकी जो भी पढ़ लिख के हो, युवा साथी जितने भी पढ़े लिखे हों वो आके मंदिरों के सामने पकौड़ा बेचे और भीख मांगे। एक बात और कर ली आपने तो क्लियर नहीं किया, लेकिन संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को देखा जा रहा है और उसके बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे की बात लगातार होती रही जब से गठबंधन की पहली बैठक हुई और मल्लिका अर्जुन खड़गे इस समय चेयरमैन की बात, तो ये दोनों जो पद हैं सबसे बड़े पद दिए देने की बात हो रही, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं मल्लिका अर्जुन खड़गे तो पीछे हट रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो अपने आप को नहीं कहते, राहुल गांधी नहीं कहते, तो कहीं ना कहीं अब तो मान लेना चाहिए ना नीतीश कुमार ही चेहरा। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि नीतीश कुमार जी एक
ऐसे चेहरे हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहले ऐसे लीडर हैं जो जो एकदम निर्विवाद चेहरा है, जिनके ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं है। अगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई शिक्षित व्यक्ति है, कोई विकास देने वाला व्यक्ति है, कोई सुशासन के साथ विकास दे सकता है, कोई नई सोच के साथ विकास दे सकता है, तो वो नीतीश जी हैं। नीतीश जी से अगर पीएम बनते हैं तो हमसे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। जब हमारा नेता अगर देश के प्रथम कुर्सी पर बैठने का काम करेगा, जो राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी कुर्सी होती है प्रधानमंत्री का चेयर, अगर उस पर हमारा नेता बैठेगा तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि जो सरदार पटेल ने छोड़ा था वह चेयर अगर हमें हमारे नेता को मिल रही है तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे बड़ी बात यह, रायसेना हिल्स का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरता है और बिहार के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड की तैयारी कितनी है? बात यहां तक हो रही कि 5 सीटों पर कम से कम तो चुनाव लड़ेगी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड जितने सीटों पर यहाँ लड़ेगी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। अभी तक बात कितने सीटों की हुई है? देखिए, यह तो शीर्ष नेतृत्व आपस में, जितने भी इंडिया गठबंधन अलायंस के लोग हैं सब में आपस में बैठ के बात हो रही, एक दो दिन में उसको भी बता दिया जाएगा। ये बात हो रही 2 फिगर में नहीं जाएंगे, 10 से नीचे ही सीटों पे लड़ाई करेगी। अब यार जब तय हो जाए तब बताएं, अभी तो हमारी तैयारी तो यहाँ पे लगभग 18 सीटों पर चल रही है। हम लोग 18 सीटों पर पूर्णतया तैयारी में है, वहाँ पे बूथ स्तर तक हम लोगों का काम चल रहा है और जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, जो हमें आदेशित करेगी शीर्ष नेतृत्व, उसके आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। यूपी मजबूत है? यूपी पूर्णतया मजबूत है। बिहार की बात कर ली जाए, रायसेना हिल्स बिहार से भी गुजरता है, बिहार में क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि तेजस्वी भी कुछ सीटें मांग रहे होंगे और यहाँ पर नीतीश कुमार की भी अपनी बात हुई होगी और नीतीश कुमार ही एक ऐसा चेहरा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है, पूरा देश जानता है। कितनी सीटों बात हो रही बिहार? देखिए, इंडिया गठबंधन के बाद बिहार में तो जो एनडीए है वहाँ नथिंग है, शून्य पे आउट होगी वहाँ पे भी। और अगर इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें लड़ेंगी, हमको तो लग रहा है कि 100% सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से जीतने का काम करेगी। यहाँ पे एनडीए का कोई झूठा जादू नहीं चलेगा। सब लोग जान चुके हैं कि मंदिर बनने से वहाँ भिखारी बढ़ता है, कोई शिक्षा नहीं बढ़ती। मंदिर बनने से बेरोजगारी बढ़ेगी, कोई शिक्षा नहीं बढ़ेगी, कोई रोजगार नहीं बढ़ेगा। रोजगार वहाँ पे एक व्यक्ति का चलेगा, बाकी भिखारी वहाँ पे हजारों बैठेंगे। यह हर युवा के जेहन में आ चुका है कि हमें अब रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें कार्य चाहिए, हमको मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। बिहार में कितनी सीटें नीतीश कुमार मांग रहे हैं? कुछ तो बातें हुई होगी। देखिए, यह शीर्ष नेतृत्व का भी फैसला नहीं हुआ है, जो होगा वो बताया जाएगा। कोई कयास नहीं है। किस फॉर्मूले पे इंडिया अलायंस चल रही है? कुछ सीटों को बंटवारे के लिए कोई फॉर्मूला तो लेकर चल रही है, कोई फॉर्मूला? तो फार्मूला सब तय हो चुका है, एक दो दिन में उसकी घोषणा हो जाएगी, एक दो दिन में यह सबको पता लग जाएगा कौन कौन सीटें किन किन पार्टी के खाते में जा रही है। अच्छा, कांग्रेस से भी राहुल गांधी वगैरह से भी आपकी बात होती है, प्रियंका गांधी से बात होती होगी। इस समय यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है और अब लखनऊ में एंट्री कर चुकी है, जहां पे आपका कार्यालय भी है, कुछ ही समय बाद यहां से गुजरेगी भी। क्या लग रहा है, कुछ इम्पैक्ट डाल पा रही है? बिल्कुल डालेंगी, क्यों नहीं डालेंगी। किस तरीके का इम्पैक्ट दिख रहा है ग्राउंड? ग्राउंड पे जब निकल रहे हैं तो बता रहे हैं ना लोगों से, ये भी तो बता रहे हैं और लोग ये देख भी रहे हैं कि जनता किसके साथ है। आज अभी हमारे कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी कि कहीं पीएम का कार्यक्रम लगता है तो वहां पे उस प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता है, उस प्रोजेक्ट का 20% उद्घाटन में पैसा खर्चा करना पड़ता है पीएम के कार्यक्रम के लिए। मैं अधिकारियों का नाम नहीं लूंगा, ऐसे कई अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी कि जितने का हमारा प्रोजेक्ट है उसका 20% हमें खर्चा करना है, हमें वहाँ का लोकल ट्रेन चलवा के भीड़ इकट्ठी करनी है, हमको बस देना है, हमें ट्रक देना है। यह भाई साहब जिस अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, वो अधिकारी यही शब्द कह रहा था कि मेरे यह 28 साल के करियर का यह पहला ऐसा गवर्नमेंट है कि हमें भीड़ जुटाने के लिए करना पड़ रहा है, जहां पैसे के बल पे भीड़ आ रही है। और कुछ मीडिया साथी के वजह से जो आज चल रहा है वह माहौल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, सबको सच्चाई सामने आ जाएगी, बेचने की भी सच्चाई आ जाएगी, खरीदने की भी सच्चाई आ जाएगी।
सब सच्चाई सामने आ जाएगी और 2024 में ये लोग गुजरात का पुनः वापसी का रास्ता झूला उठा के जाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा एक प्रश्न और है जो मायावती को लेकर के हर व्यक्ति के जुबान पे, चाहे ग्राउंड स्तर पे आम आदमी की बात करें चाहे पॉलिटिकल गलियारों की बात करें, मायावती क्या इंडिया अलायंस में आगे आने वाले समय में आएंगी? क्या बातें होती हैं आप लोग की? इस बात पे मैं कुछ नहीं कहूँगा और बहन जी के आने से हमें मजबूती ही मिलेगी। अखिलेश यादव को लेकर बात कर ले, क्योंकि आपने देखा कि 5 राज्यों में जब चुनाव थे तो वहाँ किस तरीके की बयानबाजी हुई, काफी इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और रिजल्ट में भी दिखा है। अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से कोई अभी अनबन तो नहीं, अंदर मजबूती दिख रही? अंदर सबकी मजबूती है और वो एक कोई गलत फहमी के कारण से जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, कोई भी प्रत्याशी चाहे कांग्रेस का लड़ा हो, हमको तो मध्य प्रदेश का लगभग सारी सीटों के बारे में हमें पूर्ण नॉलेज है। मैं देखा हूं कि कोई प्रत्याशी वहां पे 1500 से हारा है, कोई प्रत्याशी 2000 से हारा है, कोई 375 वोट से हारा हुआ, कोई 153 वोट से हारा हुआ है। और उन सीटों पे हमारे इंडिया अलायंस के अन्य पार्टियां किसी पे 5000 पाए हैं, किसी पे 9000 पाई हैं। अगर इंडिया अलायंस का चुनाव होता तो रिजल्ट आपके सामने दूसरा रहता। एक आखिरी प्रश्न है, ओम प्रकाश राजभर से बात होती है, वो कहते हैं इंडिया अलायंस के तमाम सारे घटक दल ऐसे हैं जो उनके साथ संपर्क में है और वो आने वाले समय में एनडीए को ज्वाइन कर लेंगे, गठबंधन उसमें कर लेंगे, अंदर कोई फूट तो नहीं है? ओम प्रकाश जी मानसिक रूप से बड़े उग्र व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। धन्यवाद। नहीं कह सकते। हमारे साथ सत्येंद्र पटेल जी थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड से उत्तर प्रदेश में। तमाम सारी बातें हो रही थी, यहाँ पर बात करें नीतीश कुमार को लेकर के, तो नीतीश कुमार को लेकर के इस समय पूरे देश भर में चर्चा है। राजनीतिक गलियारों की बात कर ले तो राजनीतिक गलियारों में क्लियर बात हो रही है कि आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर इंडिया अलायंस से कोई चेहरा जो है प्रधानमंत्री पद के लिए, वो नीतीश कुमार। इस तरीके की बातें हो रही हैं। चर्चा हुई हमारी, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।